हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ सचिन। अभी जो ये वाली वीडियो है, मैं जर्नी से बहुत दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने जस्ट अभी टिकट बुक कराई है अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देने के लिए। उसका बर्थडे आ रहा है तो उसे नहीं पता कि हम गोवा जाने वाले हैं। मतलब किसी को भी नहीं पता, आप लोगों को भी पता लगेगा जब ये वीडियो शूट हो जाएगी इसके बाद। तो देखते हैं कि जब उसको पता लगेगा तब उसके क्या रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन में आपको रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ। अभी तो सिर्फ बुकिंग कराई है, डिटेल्स अभी बाकी हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ट्रैवल करना है मुझे भी नहीं पता, वो सारा का सारा। सरकारी नियमों के अनुसार विमान के लिए कैमरे का प्रयोग वर्जित है। अच्छा, ये वाला प्लेन जो है ये अलग से बुक करना पड़ता है क्या? इंडिगो एयरलाइंस की बहुत तंग करा आज इंडिगो वालों ने, वो सारा मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे तंग करा उन्होंने।
है गोवा। ये गोवा का एयरपोर्ट की एंट्रेंस अराइवल, देखते हैं अंदर का कैसा होगा। ये इंडियो की बस जिसने हमें छोड़ा, तभी हमने लैंड किया है गोवा के एयरपोर्ट पे, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सिर्फ कुछ ही देशों के लिए यहाँ से आपको इंटरनेशनल फ्लाइट मिलेगी। ट्रिप सही थी, बाकी सारी चीज़ें फैक्ट की बातें आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे गोवा में। अभी तो जस्ट पहुँचे हैं, मुझे अपने टैक्सी वाले को कॉल करना है ताकि मैं अपनी पिकअप गाड़ी लूँ। एयरपोर्ट पर ही उसने ड्रॉप करना है मुझे, और बाहर जाने का रास्ता ये रहा। यहाँ से है बाहर जाने का रास्ता, यहीं पर मेरे को मिलेगी मेरी गाड़ी पिकअप के लिए। बट उससे पहले मुझे लेना है मेरा लगेज, जो इस कन्वेयर बेल्ट में मिलेगा। ये देखो ये लगे हैं गरीब लोग सामान की लाइन में। कन्वेयर बेल्ट जी, पहुंच गए फाइनली गोवा वाले एयरपोर्ट। आपको कल मिलेगी ट्रिप गोवा वाले बीच की। वैसे मेरा ड्राइवर जो था, जो मुझे सेल्फ ड्राइविंग कार देने आने वाला है, वो बहुत बढ़िया बंदा भाई। दो तीन बार कॉल कर चुका, हम ही लेट हैं मुझे। चलो आओ मिलते हैं सीधा वहाँ पे। ये देखो ये गरीबों वाली हरकत है। बहुत बहुत तुम्हें फ़ोन नहीं पकड़ी। कुछ इस तरह का है D2 और D1 जहाँ से हमने गाड़ी लेनी है, और वो भाई आ भी गया है D1 पे गाड़ी लेकर। नंबर गाड़ी का है, कौन सा नंबर है गाड़ी का? I-10। रुको देखता हूँ मैं कहाँ पर है वो। ये आई है गाड़ी हमारी, और A1 गाड़ी है। अब हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट से गोवा के। अभी पवन भाई है अपने साथ जो हमें गाड़ी दे रहे हैं। STS कार सर्विस, ये नाम है ना आपकी सर्विस का? सही है यार सर्विस आपकी। मेरे साथ अभी पता है एक Airbnb का बहुत गंदा स्कैम हुआ है। Airbnb, मैंने होटल एक बुक किया था उसका स्कैम हुआ। वो तो खैर मैं इनको आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। अभी A2 से हमने एग्जिट किया, और अब चलते हैं हम सीधा अपने एरेम्बलम बीच है ना वो, कौन सा? जो बागा से आगे है। चलो हमारी डेस्टिनेशन वहाँ पर है। खाने पीने का तो बागा पे ही मिलेगा ज़्यादातर सब कुछ। घूमने का प्लेस है ये, देख लीजिए। ये है एग्जिट एयरपोर्ट की गोवा की, कुछ इस तरीके की। लो जी गाड़ी मिल गई है हमें, हुंडई i10 ली है मैंने। और अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट से, डबलिन एयरपोर्ट से। और ये है बिरला मंदिर, ये आपको दिख रहा है, इसको भी जल्दी हम कवर करेंगे। अभी तो बस हालत ख़राब है, रात के 9:30 बज चुके हैं, और सही लग रहा है यार, बहुत सुंदर लग रहा है बस जी। और बहुत सही लोग हैं यार जिन्होंने गाड़ी दी है। कुछ गाड़ी में इशू आ गए थे, इमीजिएटली दे आ रहे, मतलब सपोर्ट किया उन्होंने, इमीजिएटली आ गए थे वो लोग। बाकी अब तो रिजॉर्ट पहुँचूंगा मैं, बस वहाँ तक का दिखा के बाकी कल शूट करेंगे। खाना वाना खाएंगे, थक गए हैं, रात के 10 बज चुके हैं। यह है गोवा का समुंदर वाला पुल, जैसे अपना मुंबई में है ना बांद्रा वर्ली सी लिंक, ऐसे ही है गोवा का डबलिन पंजिम सी लिंक। वो देखो सी ब्रिज। अब हम समुंदर के ऊपर चल रहे हैं, ये मतलब गाड़ी चला रहे हैं, चलता है। ये गोवा वाले बीच पे बिल्कुल आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पीके तब वो देखो ये पूरा ऐसे जगह सही लग रहा है। अभी तो मुंबई भी जाना है बांद्रा वाले। कंस्ट्रक्शन चल रही है।